goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक राज, आप सबका स्वागत करता हूं goodmorningnews.in में। आज महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सुशील कुमार मोदी, मुकेश सहनिया से बड़े नेताओं का काफिला लगने वाला है। आइए चलते हैं, देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। पार्टी के अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी हैं। मेरा सादर अनुरोध है माननीय संजय जायसवाल जी से कि पहले आपको संबोधित करें। डॉक्टर संजय जायसवाल जी, कहते हो शांत हो जाए। हमारे राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन ने सदैव अति पिछड़ों का सम्मान किया है और देश के इतिहास में पहली बार अगर कोई अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सका तो वह माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उससे उनको प्रधानमंत्री बनाने में सभी लोगों ने सहयोग किया, सभी अति पिछड़े समाज ने सहयोग किया। उस समय के का समय मुझे याद है कि विकासशील इंसान पार्टी के माननीय मुकेश सहनी जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए बिहार में बहुत उन्होंने मेहनत किया था। 2015 का भी जब हम उपचुनाव लड़े थे तो भी माननीय मुकेश सहनी जी ने भारतीय जनता पार्टी और उस समय के एनडीए गठबंधन को जिताने के लिए बहुत मेहनत किया था, क्योंकि मुकेश जी अच्छे से जानते हैं कि अति पिछड़ों, दलितों, शोषित गरीबों के लिए अगर कोई उद्धार का काम कर सकता है तो माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ही कर सकते हैं। विगत कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि हम सब कुछ दिनों के लिए अलग रहे, पर जिस प्रकार से एक गठबंधन ने अति पिछड़ों के अपमान का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग के लिए हर कोई यहाँ उपस्थित है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात का निर्णय लिया कि अति पिछड़ों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए और हम लोगों ने माननीय मुकेश सहनी जी से इस के बारे में विस्तृत चर्चा की। दो दिनों से यह काफी विस्तृत चर्चा हम सबों के बीच चल रही थी और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी इस एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं और हम सब मिलकर के माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सादर अनुरोध है विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी से कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सभागार में हम लोगों के बीच में उपस्थित बिहार प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई संजय जायसवाल जी और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हमारे गार्जियन सुशील मोदी जी और हमारे भाई संजय मयूख जी और तमाम हमारे मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी को, साथियों आप सभी को पता ही है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आप सबको बता ही चुके हैं कि हमने जब पहली बार राजनीति में पैर मैंने रखा मुंबई से बिहार आकर तो देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, देश का पिछड़ा का बेटा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया। 2014 में बहुत हमने मेहनत किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। उस समय में हमारी सामाजिक संगठन निषाद विकास संघ का नाम बैनर तले हम लोगों ने काम किया। 2015 में भी बिहार विधानसभा के समय में हम मजबूती से भारतीय जनता पार्टी और उस समय के एनडीए को मजबूती से हमने मदद किया था, लेकिन कुछ समय के लिए कुछ किसी कारण से हम दूर हुए, हमें भी काफी तकलीफ था, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे थे हमारे अपने सामाजिक न्याय के लिए। उस एजेंडा पे कुछ दिनों के लिए हम दूर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम रास्ता मोड़ चुके थे और आप सभी को पता है कि 2019 में 18 में हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और 19 चुनाव के लिए 2018 में हमने महागठबंधन का पार्ट बना
और हम लोगों ने मजबूती से लड़ा है। और कहीं ना कहीं जिस गठबंधन में थे उस गठबंधन में रणनीति का काफी अभाव रहा, चूक रहा। वन मैन शो का एक आर्मी के जैसे डिसीजन रहता था, कब क्या बोलना कब क्या सोचना उसका कोई ठिकाना नहीं रहता था। हमें लोकसभा में बात हो चुका था कि हमें दरभंगा में लड़ना है, हम दरभंगा तैयारी किए, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे हमें खगड़िया भेज दिया गया। तो ऐसे अनेकों समस्या था, लेकिन हम जैसे तैसे एडजस्टमेंट करके महागठबंधन के साथ हम थे। और परिणाम आपको भी पता है कि बिहार में मोदी जी के सामने में हम लोग टिक नहीं पाए थे, 40 में से 39 चुनाव सीट पे हम लोग हार गए। तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी हम लोग कोशिश किए, जो हमारे गठबंधन के मजबूत साथी थे उनके साथ चलने का, लेकिन आप सबको पता है कि उन्होंने भी हमें मीठी मीठी बातें कर और मजबूती से आगे लेके चलने का काम किया। और उनके मन में पहले से ही छल था, कपट था। और जब तभी महागठबंधन का जब सीट अनाउंसमेंट का समय आया तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारे साथ छल करने का काम किया कि सारे सहयोगी जो 4 दिन पहले गठबंधन में आए ऐसे सहयोगी को उन्होंने घोषणा कर दिया नाम का और संख्या का, और मेरे साथ कहीं ना कहीं छल किया। एक अति पिछड़ा का मल्ला का बेटा को पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। और वहीं पे हमने डिसीजन लिया जगह पे ही कि हमारे साथ गलत हो रहा है और धोखा दिया जा रहा, वहीं से हमने उनसे गठबंधन का नाता हमने तोड़ लिया। और हमने आप सारे साथी को भी हमने दूसरे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने सारे जानकारी हमने आप लोगों को दिया। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं जहां से मैंने अपने राजनीतिक करियर स्टार्ट किया था, सामाजिक करियर स्टार्ट किया था, आज पुनः मैं उस घर में वहां पे मैं पहुंच गया हूं। और मैं खास करके माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे भूपेंद्र जी या बिहार के हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमें महागठबंधन में निमंत्रण मिला और मैं आज महागठबंधन का पार्ट हूँ। ये काफी हमारे लिए और हमारे अति पिछड़ा समाज के लिए खुशी की बात है। तो आज हम मजबूती से बिहार में एनडीए का पार्ट है और जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। बिहार में हम नीतीश जी के नेतृत्व में उनको बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है। और आप सभी को पता है कि बिहार में पिछले 15 साल से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कितने अति पिछड़े के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, बिहार के लिए कार्य किए हैं, और उससे मैं प्रभावित हूँ। और निश्चित तौर पे उनके बताए हुए रास्ते पे मैं चलूंगा और मुझे काफी खुशी है और तमाम बिहार के अति पिछड़ा समाज निषाद समाज को भी काफी खुशी है कि आज हमें एनडीए का पार्ट मिले। और किसी ने हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, लेकिन इस देश में हमारे पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री है, उन्होंने मल्ला का बेटा को पीठ में मल्लम लगाने का उन्होंने काम किया, इसके लिए मैं सदा आभारी व्यक्त करूंगा। धन्यवाद। मेरा विनम्र निवेदन है बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय सुशील जी, माननीय अध्यक्ष जी अभी आपको संबोधित करेंगे पुनः। एनडीए गठबंधन में इस बात का निर्णय हुआ है कि हमारे जो हम पार्टी के नेता हैं और उनकी जो सीटें हैं वह माननीय नीतीश जी एडजस्ट करेंगे, और विकासशील इंसान पार्टी और माननीय मुकेश सहनी जी को जितनी सीटें हैं वह हम अपने कोटे से देंगे, क्योंकि यह सारे जो ये परिवर्तन हुए वे 2 दिनों में ही हुआ है और 2 दिन पहले ये हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इस तरह की भी घटनाक्रम हो सकती है। तो इस 2 दिनों में हम लोगों ने परिवर्तन हुआ, हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि हम माननीय मुकेश सहनी जी को अपने साथ गठबंधन का हिस्सा और भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से की सीटों में से इनको देगी। और हमने यह निर्णय किया कि हम इन्हें 11 सीटें देंगे और भविष्य में एक विधान परिषद की भी सीट माननीय मुकेश सहनी जी को देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से से किया। माननीय सुशील जी आपको संबोधित करेंगे। माननीय सुशील जी, मित्रों, मैं सबसे पहले श्री मुकेश सहनी जी का
एनडीए गठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी ऐसा समझौता करने के लिए मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। मित्रों, जैसा कहा अभी मुकेश सहनी जी ने कि कांग्रेस आरजेडी ने अति पिछड़ों के साथ हमेशा धोखा देने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी है जिसने अति पिछड़ों को हमेशा सम्मान देने का काम किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 अति पिछड़ों को टिकट दिया था जिसे 12 लोग जीत कर आए और ये कांग्रेस पार्टी जो 43 सीटें लड़ी बिहार में एक भी अति पिछड़ा को टिकट नहीं दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और राष्ट्रीय जनता दल ने मात्र 5 टिकट दिया और जनता दल यू ने 16 टिकट दिया। ये जो बीजेपी और जनता दल यू का जो गठबंधन है इसने हमेशा अति पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है और आपको मालूम है कि बिहार के पंचायत चुनाव में हम लोगों ने 20% का आरक्षण दिया था और आज बिहार में अगर 1600 से ज्यादा मुखिया अगर अति पिछड़ा समाज के जीत कराए हैं तो ये एनडीए गठबंधन की देन है। और राष्ट्रीय जनता दल ने तो 23 साल तक बिहार में चुनाव ही नहीं कराया पंचायत का और अति पिछड़ों के हक को उन्होंने मारने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी को तो पिछड़ों से कोई मतलब ही नहीं है। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को इन्होंने लागू नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, इन्होंने बिहार में लागू करने का काम नहीं किया। श्री मित्रों, मुझे खुशी है कि श्री मुकेश सहनी ये केवल निषाद की जो 10 से ज्यादा उपजातियां हैं बिंद मल्ला गोढ़ी तियर चाई ये केवल उसी के नेता नहीं है। ये जो अति पिछड़ा समाज बिहार का जो बिहार की कुल आबादी का 40% से ज्यादा है ये उस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अति पिछड़ा समाज को आश्वस्त करना चाहते हैं। अब ये टिकटों की लिस्ट जारी हो रही है। हमारा गठबंधन बिहार में सर्वाधिक सीटें जो हैं अति पिछड़ा समाज की सभी उपजातियों को बिहार के अंदर देने का काम करेगी। तो श्री मित्रों, प्रधानमंत्री जी जब बने 2014 में तो बिहार के अति पिछड़ों की बहुत बड़ी भूमिका थी और इसलिए मुकेश सहनी के इस गठबंधन में आने से गठबंधन और मजबूत हुआ है। तो जहां महागठबंधन से एक एक करके लोग बिछड़ते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अलग हो गया, हम अलग हो गया, वीआईपी पार्टी अलग हो गई, आरएलएसपी अलग हो गया, एक समय में नीतीश कुमार थे वो भी अलग हो गए, लेकिन आज ये जो हमारा एनडीए गठबंधन है आज इसमें 4 बिहार के प्रमुख दल जो हैं इसमें शामिल है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम बिहार में फिर से एक बार 3/4 बहुमत से और सरकार बनाएंगे। मैं फिर से एक बार श्री मुकेश सहनी जी को इस गठबंधन में शामिल होने के लिए अपनी ओर से इनके पूरे समाज को अभी सारे अति पिछड़ा समाज को मैं इसके लिए बधाई देता हूं और अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। मित्रों, विकास की उस धारा का परिचय भी देवेंद्र फडणवीस है और बिहार में विकास की लड़ाई है। मेरा सादर अनुरोध है तो अब सीधे हम आपसे कुछ कम सवाल ले पाएंगे क्योंकि अभी चुनाव का समय है और मीटिंग है, तो मेरा भी विनम्र निवेदन है कि कुछ कम सवालों के साथ ही यहाँ प्रेस हो पाएगा। मनीष जी, goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे।